नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। खबर कानपुर देहात से है, जहां हाथरस कांड के बाद अब कानपुर देहात के चैन के पूर्वा के बोतल बाबा एक बार फिर से चर्चाओं में। जी हां, इसे श्रद्धा कहें या आत्मविश्वास, मगर इतने बड़े कांड हो जाने के बाद भी लोगों का बाबाओं पर भरोसा लगातार जारी है। हाथरस कांड के बाद कानपुर देहात में भी चैन के पूर्वा में हरिधाम के हरि ओम बाबा का चमत्कार जारी है, जहां पर बाबा ऐसा दावा करते हैं कि वो पानी की बोतल में फूंक कर अपनी चीजें बताते हैं और लोगों का इलाज करते हैं, जिसमें कैंसर, HIV और अन्य असाध्य रोगों का बाबा पल भर में इलाज कर देते हैं। बाबा का दावा है कि उनके द्वारा पानी की बोतल में फूंक मारने से बोतल का पानी अमृत हो जाता है, जिस पानी को पीकर लोग कैंसर जैसी बीमारी से भी निजात पा सकते हैं। बाबा ने दावा किया कि अब हमारा नया वर्जन चालू हो गया है, जिसने हम लोगों को मोबाइल फोन के जरिए ऑनलाइन भी पानी पर फूंक मारकर इलाज करते हैं। वहीं हमारे संवाददाता कानपुर देहात के हरिधाम आश्रम चैन के पूर्वा पहुंचे और हरि ओम बाबा से जानकारी ली। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा बोतल वाले बाबा ने, सुनिए। हम इस वक्त मौजूद हैं कानपुर देहात के चैन के पूर्वा गांव, जहां पर हरिधाम के नाम से एक आश्रम मशहूर है। यहां पर हरि ओम बाबा, जो बोतल वाले बाबा के नाम से फेमस हुए हैं, अभी जो हाथरस कांड हुआ था उसके बाद से चैन के पूर्वा के बोतल वाले बाबा भी चर्चा में आए हुए हैं। और यहाँ पर भक्तों की भीड़ लगी रहती है, बहुत सारी भीड़ होती है। रविवार, मंगलवार और शनिवार को यहाँ पर भक्त लोग बहुत बड़ी संख्या में आते हैं और यहाँ लोगों को बताते हैं कैंसर और HIV तक का इलाज मतलब महाराज जी करते हैं। इस बोतल वाले बाबा का जो अभी आप देख रहे हैं, बहुत दिनों से चर्चा में हैं और ये इलाज जो कर रहे हैं, इनसे लोगों को काफ़ी फायदा भी हुआ, लोग बता भी रहे हैं। बाकी ये श्रद्धा है कि अंधविश्वास है, ये क्या है, ये भक्त जाने। और इनका इलाज जो महाराज जी बोतल में फूंक मार कर करते हैं, बोतल वाले बाबा जो फेमस है, क्योंकि भीड़ आप महाराज जी का आसन लगा हुआ है, यहाँ से बोतल में फूंक मारकर जो है मरीजों का इलाज कर रहे हैं। आशीर्वाद है, जगह छोड़ो, खड़े हो आप सामने आइए, सामने चश्मा उतार। जैसा कि आप देख सकते हैं, इलाज हुआ है, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं, मूसा नगर से, क्या समस्या थी आपकी? अच्छा, कितने दिनों से आ रहे हैं हरिधाम? पहली बार। किसी ने आपको बताया होगा, कैसे जानकारी हुई? हमारे यहाँ से काफी लोग आए थे, देख सकते हैं यहाँ पर लगातार भक्तों की भीड़ लगी रहती है। बोतल से इलाज कर रहे हैं बाबा जी, बोतल का पानी देते हैं लोगों को और ये बोतल ही इनका बताते हैं कि हम और ये कैंसर तक का इलाज करते हैं। हम आपकी महाराज जी सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम अभी बात कराते हैं अपने चैनल के माध्यम से। आजी महाराज जी, कितने दिनों से यहाँ पर आए हैं? लगभग 5 साल हो चुका है गले में जी। तो लोग आते हैं जी, इनका किस तरह का इलाज आप करते हैं? ये जल द्वारा इलाज किया जाता है, यहाँ का जल ही माता शारदा भवानी बाके बिहारी बालाजी आशीर्वाद से मिला है, इसी जल का यहाँ चमत्कार है। जल ही यहाँ का सेवन करना पड़ता है, उसी से भक्तों को जीवन दान मिलता है। आप ये कैसे जाने कि आपके द्वारा बोतल में फूंक मारने से लोगों का इलाज हो जाता है, ये आपको कैसे ज्ञान हुआ? ये ज्ञान हमको आदि शक्ति माता ने दिया। आदि शक्ति माता ने, मतलब आपको कैसे, ये मतलब कितना समय हुआ है? ये समय 5 साल का मैं था, 5 साल से बराबर आदि शक्ति माता का मैं भक्ति करता रहा, बाके बिहारी जी का और बालाजी का। जब से मुझे ज्ञान वही देती रही है, वही उन्हीं से ज्ञान प्रकट हुआ, बाकी किसी ने ज्ञान नहीं दिया, ना कोई हमारा गुरु है।
तो इस बोतल का पानी, ये नॉर्मल पानी होता है, सभी लोग पीते हैं जी। उनका मतलब ऐसे ही सही हो जाना चाहिए कि आपके फूंक मारने से ही होता है। ये यहाँ का इस भूम में जो भी आएगा ये जल ग्रहण करेगा, ये जल ही जीवन दान देगा उनको। कोई भी रोगी X Y Z कोई भी रोगी किसी प्रकार का हो, वो जल द्वारा ही निराकरण हो रहा है। जल ही यहाँ का सेवन करके भक्तों को जीवन दान मिल रहा है। जल ही मेन माता का आशीर्वाद है, जल ही चमत्कारी माता का, जल ही मेन अमृत है माता का, जो जल अमृत बन के काम कर रहा है। बहुत सारे पेशेंट यहाँ आए हुए हैं, अपना पर्चा लिए हैं, अस्पताल से वापस आए हैं जी। उनका मानना ये है कि हम यहाँ आके हमको फायदा हो रहा है। यह तो भक्तों की जुबानी से आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि कितने भक्त आ रहे हैं और कितने सही होकर भी जा रहे हैं। ये तो भक्तों की जुबानी बता रही है, जल बता रहा है। हमारा काम है जल का वितरण करना माता के आशीर्वाद से। तो मैं अपना जल ये दे रहा हूँ, जो हमें मिला है वरदान माता से जल देने का, वो हम जल वितरण कर रहे हैं। अब से कर्मों का फल मान लो, चाहे कर्मों का भोगना मान लो, चाहे जल का चमत्कार मान लो, कुछ भी मान। और कौन कौन से इलाज आप करते हैं यहाँ से? कैंसर से लेकर टीबी, बवासीर, भगंदर, अंधे, लूले, बहरे, काने, कुतरे, सांस की बीमारी बवासीर और शुगर की बीमारी डायबिटीज, X Y Z ट्यूमर से लेकर ऑलराउंडर जो भी शरीर के अंदर बीमारियाँ हैं और जच्चा बच्चा जिन माताओं के नहीं हो रहे हैं, वो जल द्वारा ही निराकरण हो रहा है। ये बोतल का पानी आपका ये बता रहे हैं आप अमृत है, तो ये लोग अगर दुकान से लेके पीते हैं तो उसमें फायदा नहीं होगा? अगर वो दुकान से लेकर पीते हैं तो वो हमारे हरिधाम में सरकार में लाएंगे और यहाँ से जल हमारे हाथ द्वारा लेंगे, तभी वो अमृत बनेगा। अच्छा, अभी हाथरस में एक भीड़ का कांड हुआ था, भगदड़ हुई थी, उसके बाद से आप चर्चा में आए कि आपके यहाँ भी बहुत सारी भीड़ होती है, इस भीड़ के लिए आप क्या इंतजाम करते हैं? इस भीड़ के लिए इंतजाम बारी बारी से सभी भक्तों को अच्छे से देखा जाता है। आप देख रहे हैं शांति, सभी भक्त बैठे हुए हैं, कोई हल्ला गुल्ला भी नहीं कर रहे हैं। जब हम जय श्री राम बुलाते हैं तो जय श्री राम बोलेंगे भक्त, क्योंकि हमारा देश सनातनी है, सनातन से ये चला आया है। भक्तों में आस्था है और आस्थावान हमारा देश है और सदा रहेगा, इसलिए भक्त ये आस्था से आए हुए हैं जल लेने। आस्था से आ रहे हैं तो उनको जीवन दान मिल रहा है। अच्छा, अभी एक आइडियो भी वायरल हुआ है और कुछ बताइए चल रहा है कि आप एक कैंसर पेशेंट को मुंबई देखने गए हुए थे और वो पेशेंट अब एक्सपायर हो चुका है, क्या कहेंगे उसके लिए? उसके लिए तो हमें वो मरीज देखने को मिला है ना, मैं उस मरीज को जानता हूँ। हमें यहाँ से एक तरफ का हवाई जहाज का टिकट कटवा दिया गया था ऑनलाइन, 11 बजे रात में टिकट जब कटवाया गया कि आप जाओगे कुछ भी हो जाए, तो मैं वहाँ गया तो अस्पताल के बाहर मुझे खड़ा रहने दिया, डॉक्टरों ने हमारा अंदर नहीं जाने दिया, किसी प्रकार में अंदर जब नहीं दिया गया तो मैं वहाँ से 12 बजे रात में वापस आ गया था। वहाँ से उन्होंने हमको पैसा भी नहीं दिया, एक तरफ का टिकट कटा दिया था, दूसरे तरफ का कोई टिकट भी नहीं कटाया। तो मैं अपने पैसों द्वारा वहाँ से जैसे तैसे दिल्ली आया, फिर दिल्ली से मैं हरिधाम सरकार जैसे तैसे आ पाया। हमारा एक दिन का मेला भी छूट गया था मंगलवार का, तो मैं बहुत दुखी हुआ। और वो मरीज हमें देखने को ना मिला, ना हम उनके परिजन देखने के बाद अस्पताल के बाहर खड़े रहे। एक घंटा उसके बाद मैं चला आया, वहाँ डॉक्टर ने अंदर जाने भी नहीं दिया, ना मैंने उनका चेहरा देखा कि कैसा मरीज था, मरा था, मुर्दा था कि जिंदा था, ये मुझे कदाप कुछ नहीं मालूम। उस पेशेंट के जो फादर हैं वो एक आइडियो वायरल किए हुए हैं, उसमें आप पे आरोप लग रहा है कि आपने 1.5 लाख रुपये उनसे लिए थे, इसमें क्या सच्चाई है? आप जानते हैं कि उनके पिता है कौन है क्या, मैं नहीं जानता हूँ। 1.5 लाख रुपया एक सिपाही कभी दे सकता है? आप जानते हो जो सिपाही कर्मी हमारे देश सेवा कर रहे हैं, वही सनातनियों के लिए वो पैसा दे सकते हैं? आप बताइए, ये तो सनातनी आरोप बहुत पहले से लग रहा है। वही हमने वहाँ आए लोगों से भी बाबा के बारे में बात की, तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। आप देख सकते हैं ये सारे भक्त लोग हैं जो इनकी भी मतलब बोतल वाले पानी से सही भी हुए हैं, कुछ लोग पहली बार भी आए हैं। ये भीड़ बराबर सुबह से 8 बजे से ही लगी हुई है। यही का बिना सारा काम इस तरह करेगा, झगड़ा नहीं है, अमृत माता का। कहाँ से आई बहन, क्या नाम है आपका? बुरारी से आई हूं। क्या नाम है? मुन्नी नाम। कितनी बार आ चुकी है? 2-3 साल से आ रही है। क्या क्या बीमारी थी आपको? तो कुछ में कुछ आराम मिला? दौड़ रहे हैं आराम का। अच्छा, दौड़ रहे हैं इसी बोतल के पानी से? इसी बोतल। देख सकते हैं ये बोतल का पानी महाराज जी का अमृत है। जी जी, क्या नाम है और क्या नाम है? यहाँ से मैं सही हुआ, मरते मरते बच जाता, लेकिन क्या बीमारी है आप? हमारे गुरु जी ने सही किया, लीवर में टेंशन थी, सारी चीज़ों की हकीकत थी कि हम यहाँ से जिंदा हुए हैं और ये अब हमारा हरिधाम सरकार है। देख सकते हैं इनका लीवर का भी सही हुआ है इसी महाराज जी के द्वारा। क्या नाम है आपका? पिंकी। कहाँ रहती हैं? इछौली। आज यहाँ चैन के पुरवा में आई हैं महाराज जी के दरबार में, क्या समस्या थी आप? मेरी बेटी ना बोलती थी, ना चलती थी, ना हिलती थी, बस देखती रहती थी। डॉक्टरों के पास ले गए थे, 3 दिन में होश आया, वहाँ पे 1 महीने रखा, फिर भी कोई असर नहीं मिला। वहाँ से जब यहाँ लेके आए तब भी वैसी थी,
आज तीसरी बार आए तो यहाँ पे अपने पैरों पे खड़ी भी है, अब बोलती भी है, अब उठ के बैठ भी जाती है अपने मन से, अब खाती भी लेती है। जी बेटा क्या नाम है आपका? जी तो बोलने का डरती है, हर्षिता नाम है इसका। कितनी बार आ चुकी हो? तीसरी बार आए हम यहाँ। अब यहाँ पे आराम मिला? हाँ आराम मिला। आपको भी आराम नहीं मिला? बोलिए आगे। क्या नाम है आपका? रजनी नाम है। कहाँ से आई है? कुरारा से आए। किस समस्या को लेके आई? सिर में नसों में जोर होता है, दर्द होता है। कितनी बार आ चुकी है? अब पहली बार आए हैं बाबा को दिखाने। कैसे सुना था बाबा के बारे में कि बाबा इलाज करते हैं? सुना था, कोई लोग आया था तो कह रहे थे कि आराम लगा है, वहाँ पर चले जाओ। क्या उम्मीद लेके आए? कि हम बाबा को दिखाएंगे तो आराम मिलेगा, फिर आएंगे दुआ लेके। दिखाया है डॉक्टर को, कोई आराम नहीं लग रहा है। क्या लगता है जो डॉक्टर नहीं ठीक कर पाए वो बाबा ठीक कर देंगे? अब देखेंगे, पहली बार बाबा दुआ कर देंगे तो फिर। क्या नाम है आपका? कोमल देवरिया। कहाँ से आई है? भोपाल से आए। यहाँ किस समस्या को लेके आई? हमारा भाई यहाँ मूसा नगर में रहता है, वो पागल टाइप का हो गया था, यहाँ पर हम आए 2-3 बार तो उनको आराम मिल गया तो अब ये हमारा तीसरी बार है, हम 2 बार आ चुके हैं। आज किस समस्या को लेके आए? बाबा ने बुलाया था, 3-4 बार बुलाया उन्होंने, तो जब जब हाँ ठीक हो गया। इससे पहले कहीं मेडिकल या कहीं डॉक्टर को दिखाया? दिखाया था डॉक्टर को, नहीं मिला था कानपुर से आराम। यहाँ पे आई आराम मिल गया? आराम मिल गया। तरीके तो हो गया। हाँ। क्या मानती है बाबा को, तो किस तरीके से इलाज कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, इसका कोई शुल्क लिया गया है? शुल्क मतलब नहीं, कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं, प्रसाद चढ़ाया है, पानी उन्होंने पढ़ के दिया बस, और कुछ पानी नहीं। कहाँ चलाए? दुकान से। यही आश्रम में जो दुकान? हाँ। क्या नाम है आपका? किस समस्या को लेके आए हैं बाबा के यहाँ? हम समस्या अपने घर की पत्नी समस्या थी। क्या समस्या थी पत्नी को? बच्चा लाने। अच्छा, तो यहाँ पे कितनी बार आ चुके हैं आप? हम तीसरी बार आए। तो क्या इलाज? आराम मिला। आराम मिल गया। इससे पहले कहीं आपने इलाज कराया? ममता नर्सिंग होम 3-4 महीने इलाज कराया, वहाँ से कोई आराम नहीं मिला। ठीक हो जाते फिर बेकार। यहाँ पे जब से आए तब से आराम मिल गया? अच्छा, यहाँ से आराम मिल गया, आप आगे भगवान में। तो किस तरीके से बाबा ने इलाज किया है, कोई दवा दी या कुछ? जल पड़ के दिया है। उसका कोई शुल्क तो लिया गया है आपसे? कुछ नहीं लिया गया। प्रसाद से पैसा लगा, प्रसाद जो मूल्य से पैसा लगा। अच्छा, तो क्या मानते हैं आस्था, आप यहाँ से आपकी पत्नी ठीक हो जाएंगी? यहाँ जब पहली बार आप आए थे तो किसने बताया था आपको कि यहाँ पे? हमारे गाँव के आदमी आते हैं, वो लोग यहाँ से ठीक हुए? कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। जाहिर है उत्तर प्रदेश के हाथरस कांड के बाद 121 परिवारों में मातम खत्म नहीं हो पाया होगा। इसी कड़ी के अंधविश्वास वाले दरबार कानपुर में भी देखने को मिल रहे हैं। लोगों के अंधविश्वास के चलते ढोंगियों की दुकानें खूब फल फूल रही हैं। लोगों के बीच ढोंगी बाबाओं के प्रति अंधविश्वास बढ़ता जा रहा है और इसी के चलते लोग हाथरस की तरह हादसों का शिकार हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी लोगों की आंखें खुलने का नाम नहीं ले रही हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।